और जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मैं ये ब्लॉग वीडियो बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, वो तो ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं आएगी। और इतना मतलब गाड़ी में तेल गया ना गाइस, कम से कम 4,500 का तेल लग गया बाइक में। लास्ट में जब मेरा मंथली लगा जो सैलरी आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मैं ये ब्लॉग वीडियो बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बताया था कि एक महीने बाद वीडियो आएगी, और वो जो वीडियो आएगी वो मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो आएगी। बट अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरी जॉब छूट चुकी है। और मैंने जॉब क्यों छोड़ा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फटाफट अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और आज सोनू का एडमिशन भी कराना है। सोनू का एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, मतलब एडमिशन हो ही नहीं रहा है। वो भी मैं बात बताऊंगा कि क्यों एडमिशन नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। तो अभी फटाफट गाइस अभी चलते हैं नहाने के लिए। और गाइस आप लोगों को मैं बताया था कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया हुआ है टेक्निकल सुमित के नाम से। तो गाइस मैं यहीं पर वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा जो ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो यहाँ पे बनाया था, बट मैंने देखा उस तरह का फ्रेम नहीं आ रहा, दूर कर रहा हूँ तो ये दीवार या फिर ये सब आ रहा था। तो मैंने बोला यहीं पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा, तो ये आ जाइए आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये गाइस ये ट्राइपॉड है, ये अब इसको मैंने फिक्स कर दिया है, इतना ही लंबा पे अब ये रहेगा, क्योंकि छोटा बड़ा करता हूँ तो फिर मिलाने में दिक्कत होता है फ्रेम। तो मैंने इसका यूज़ किया हुआ ये ट्राइपॉड, और इधर जो ब्लैक स्क्रीन है, जो कि ब्लैक स्क्रीन में अभी ठीक तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो बनती है गाइस वो 16:9 में बनती है, और ये 9:16 का फ्रेम है। तो मुझे 16:9 का फ्रेम में इसे सेट करना होगा, तब जाकर ब्लैक स्क्रीन में मेरी वीडियो बन के तैयार होगी। तो अभी गाइस अभी फटाफट चलते हैं अभी नहाने के लिए, और नहा के आते हैं उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो हे गाइस, फाइनली मैं नहा के आ गया हूँ, अभी चाय पीऊँगा और नाश्ता करूँगा, उसके बाद सोनू को लेकर निकलना है एडमिशन कराने। उसका एडमिशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मम्मी इधर चाय बना रही है और पूरी बना रही है। और गाइस अभी सोनू गया है नहाने के लिए, मैं तो नहा लिया हूँ। तो अभी फटाफट अब वेट करते हैं नाश्ता का और सोनू का। सोनू आएगा तो उसके साथ आज स्कूल में उसका मतलब ऐसा हो गया है कि जो स्कूल से पढ़ाई करके निकला है वो टीसी जो हम लोग को मिलता है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो जो जिस स्कूल में एडमिशन कराने गया वहाँ के प्रिंसिपल बोले कि ये ना सरकारी स्कूल है ना एफिलेटेड स्कूल है, तो इस टीसी से एडमिशन नहीं होगा। और टीसी तो वही स्कूल का मिला जो टीचर दिए, वही टीसी लेके आया, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, उसका एडमिशन ही नहीं हो रहा है। 9th क्लास में एडमिशन ही नहीं हो रहा है, तो टीचर लोग बोल रहे हैं 9th में एडमिशन तो नहीं होगा, क्योंकि 8th क्लास अब बोर्ड हो गया है, क्योंकि झारखंड बोर्ड में ये नियम आया है कि जो 8th क्लास 9th और 10th मतलब 8th से जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो 10th तक उसी स्कूल में उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर जो स्कूल में 8th क्लास तक का है वो उसमें बोर्ड एग्ज़ाम दे के तब 9th में उसका एडमिशन होगा, तो ये नियम थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसी वजह से, और जिस स्कूल से ये निकला वो एफिलेटेड भी नहीं है ना ही गवर्नमेंट स्कूल है, और वो टीचर इसका 8th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं लिए, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो लिए, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिए। तो इसी वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है एडमिशन कराने में, इसलिए एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद सोनू को लेकर निकलते हैं, सारा काम करा के उसके बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी नाश्ता आ गया है, चाय और पूरी, और करते हैं उसके बाद निकलते हैं एडमिशन के लिए। सो हे गाइस, फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और अभी खाना पीना खा के अभी घर पे हूँ। और गाइस अभी मतलब सोनू का स्कूल में एडमिशन के लिए अभी 4-5 दिन अभी रुकना होगा, मैक्सिमम मान के चलो गाइस 1 सप्ताह अभी रुकना होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में भी। जिस स्कूल से पढ़ के निकला है उस स्कूल का TC वैलिड ही नहीं है, और उस स्कूल को कोई मान्यता मिला ही नहीं है, बट स्कूल चल रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब स्कूल का कोई मान्यता है ही नहीं तो स्कूल चल कैसे रहा है, और उतने सारे स्टूडेंट लोग हैं, सबका लाइफ बर्बाद हो जाएगा फिर। तो मैंने DO ऑफिस गया, फिर DC ऑफिस गया, सब जगह बात किया, तो सर बोले 1 सप्ताह का टाइम दो, हम देख के हम आपको बताएंगे, और 8th क्लास में ही एडमिशन होगा, क्योंकि 9th में तो अब एडमिशन नहीं होगा गाइस, क्योंकि 8th क्लास बोर्ड हो गया है
झारखंड बोर्ड से, जो जो झारखंड से वो पता होगा ये अपडेट के बारे में। एट क्लास बोर्ड हो चुका है, एट नाइन टेंथ, एट में रजिस्ट्रेशन होगा, वो नाइन टेंथ तक वहाँ से पढ़ के ही निकलेगा, इस तरह का अब नियम हो चुका है गाइस। और बात करें गाइस मेरी जॉब छूटने की, मैंने जॉब क्यों छोड़ा था, बात करते हैं उसके बारे में। क्योंकि गाइस मैं जब फ्लिपकार्ट का जॉब कर रहा था, तो पहले तो मैंने बाइक पे तेल भरवाया, बाइक का सर्विसिंग वगैरह सब करवाया, और इस समय मेरा टाइम भी नहीं मिला जो कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। और इतना मतलब गाड़ी में तेल गया ना गाइस, कम से कम 4,500 का तेल लग गया बाइक में। डेली मतलब तेल भराना पड़ता था डेली, 100, 50, 150, 200, कभी कभी तो 500, 1,000 ऐसे करके तेल भराए हैं गाइस, कभी 1500 का या 500 का, ऐसे कर करके 4,500 का तेल भराए हैं। और बाकी लास्ट में जब मेरा मंथली लगा, जो सैलरी आया, तो गाइस 2700 रुपया आया, जिसमें कि मैंने 500 रुपया जब ड्यूटी जब मैं किया था, तो 500 रुपया मैंने भैया से मांगा भी था, भैया 500 रुपया चाहिए मैं तेल भराऊंगा। तेल भराने के लिए भैया से एडवांस पैसा लिए थे, और 2786 रुपया कुछ बना था मेरा, जो कि 500 रुपया कट करके 2200 कुछ रुपया मुझे आया, तो लॉस में चल गया गाइस। जितना कमाए नहीं उतना गवा दिया, इस वजह से मैंने वो जो जॉब छोड़ दिया कि नहीं ऐसा जॉब करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, इसलिए मैंने गाइस जॉब छोड़ा है। और अभी मैं ब्लॉग पे कंटिन्यू हूँ, और ये कंटिन्यू ही रहेगा ब्लॉग। और मैंने एक जगह काम भी देखा है, वहाँ भी काम तो गाइस करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं करना पड़ेगा, अब जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने काम के लिए इधर उधर भी बात किया हुआ है, वो बोले हैं मैं बताऊंगा। तो गाइस यही कारण था जो कि मैं काम छोड़ दिया। सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे। ओके गाइस, मैं शाम में फिर 4 बजे गया था मैम के पास, मगर वहाँ सर थे तो उन्होंने बोला 4-5 दिन के बाद आइए आप, डायरेक्ट 4-5 दिन के बाद आइए, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस मैं मतलब अभी सोनू का एडमिशन को लेके इधर उधर कर ही रहा हूँ गाइस। तो ये नेक्स्ट डे है गाइस, और साथ में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, और जो मैं आप लोगों को बताया गाइस मेरा ड्यूटी क्यों छूटा और सोनू का एडमिशन में क्यों प्रॉब्लम हो रहा, आप लोग तो जान ही गए हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और एक कमेंट करना गाइस, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।